हेलो दोस्तों, अगर आप अपने लिए ई श्रम कार्ड बना लिए हैं या फिर आप बनाना सोच रहे हैं, उससे पहले आप लोगों को ई श्रम कार्ड से मिलने वाले फायदे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फायदे आपको मिलेंगे, कौन कौन से योजनाएं निकाले गए हैं सरकार की तरफ से जिससे आपको फायदा मिलेगा, पेंशन कितना आपको दिया जाएगा, आपको पैसा कितना दिया जाएगा, कब से पैसा मिलेगा, अगर हम जनवरी में अपना ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो क्या पैसा मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, बहुत सारे जो बेनिफिट हैं उसके बारे में आपको पता नहीं है। बस आप ई श्रम कार्ड बना लिए हैं लेकिन उसके मिलने वाले फायदे क्या होंगे, क्या फायदा होगा एक ई श्रम कार्ड धारक को, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बना लिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जो आप ई श्रम कार्ड बनाए हैं उसका फायदा क्या होगा, कितना वो इंपॉर्टेंट है ई श्रम कार्ड आपके लिए, वो सब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 21 करोड़ श्रमिकों का ई श्रम कार्ड बन चुका है और ये वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर होता है। दोस्तों, बात करेंगे पहले बेनिफिट के बारे में। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों, ये है कि ये जो ई श्रम कार्ड है ना, वो पूरे इंडिया में मान्य है। बोलेंगे इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड दोस्तों, वो पूरे इंडिया में मान्य है, कहीं पे भी उसको दिखा के आप पहचान पत्र के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, तो वो इसका फायदा हो जाता है कि आप एक श्रमिक हैं उसका क्या प्रूफ है। तो ये आप एक श्रमिक है उससे प्रूफ करेगा, एक आइडेंटिटी के तौर पे ये काम करेगा, पूरे इंडिया में इसे मान्यता मिला हुआ है। इसका जो अगला फायदा है दोस्तों, ये है कि पैंडेमिक सिचुएशन में जो भी सोशल सिक्योरिटीज आता है, यानी कि जो भी योजनाएं निकाली जाते हैं श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के फायदे के लिए, कुछ पैसे उनको बैंक में भेजे जाने के लिए उनको एक योजना निकाला जाता है सरकार की तरफ से, तो उसको इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाएगा क्योंकि सरकार के पास एक डाटा रहेगा जिसमें कि ये सब मेंशन रहेगा कि आपका श्रमिक, आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड क्या, आपका बैंक डिटेल क्या है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लेते हैं कल एक योजना निकलता है कि सारे श्रमिकों को 1,000 रुपए दिए जाएंगे, तो श्रमिक तो अवेलेबल है, श्रम कार्ड सबका बना हुआ है, सारे लोगों को 1,000 रुपए मिल जाएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसा ऑलरेडी फैसला लिया जा चुका है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से श्रमिकों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है प्रोडक्ट, ये सिर्फ यूपी के अंतर्गत हो रहा है, यानी कि यूपी में जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार, उसने ये यहाँ पे योजना निकाला है कि श्रमिकों को 2,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसका की पहला किस्त 1,000 रुपए ऑलरेडी सभी लोगों को मिल चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका है। अगला किस्त उन्हें भी मिल जाएगा कुछ दिनों में, अगले मंथ में। तो दोस्तों, ऐसा सारे स्टेट में भी स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो आने वाले हैं और सारे श्रमिकों को उसका बेनिफिट डायरेक्टली होने वाला है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगला जो इसका फायदा ये है कि बहुत सारे फॉर्म्स जो है, बहुत सारे योजनाओं के लाभ लेने के लिए हर बार आपको फॉर्म भरना पड़ता है। मान लीजिए इस साल कुछ योजना निकला तो आपको फिर इस फॉर्म को भरना होगा, फिर आपको देना होगा, सबमिट करना होगा, यहाँ साइन कराओ, वहां साइन कराओ, तब जाके उस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ई श्रम कार्ड बनाने के बाद आपको हर बार फॉर्म कहीं पे फिलअप नहीं करना है, हर योजना के लिए एक बार आपने ई श्रम कार्ड बना लिया, फिर चाहे जितने भी योजना निकल के आएंगे सबको आपको लाभ दिया जाएगा, सभी श्रमिकों को डायरेक्टली लाभ मिल जाएगा। बार बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, जब बार बार आपको फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा कहीं पे, तो इसका ये भी बेनिफिट है कि बार बार रजिस्ट्रेशन करने से आप बच जाएंगे। और इसका जो अगला बेनिफिट है दोस्तों, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, यही एक बेनिफिट ऐसा है दोस्तों जिसके लिए सारे श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराया है। अगर काम करते करते आपका मृत्यु हो जाता है तो जो नॉमिनी आपका रहेगा, जिसको नॉमिनी आपने ऐड किया है, उसको 2,00,000 का कवर मिलेगा, यानी कि आपका इंश्योरेंस हो गया। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हैं काम जिसमें कि आपको कभी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी का जान भी चल जाता है कंपनी में, या फिर काम करते करते, या फिर वो हैंडीकैप हो जाता है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना भी आप लोगों को दिया जा रहा है, यानी कि 2,00,000 का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी का मृत्यु हो जाता है काम करते हुए तो 2,00,000 का कवर मिलेगा, उनके फैमिली को, नॉमिनी को 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे, मुआवजा मिलेगा। और अगर हैंडीकैप हो जाता है, वो शारीरिक कोई अंग बर्बाद हो जाता है या फिर काम नहीं कर पाता है वो, तो उसको 1,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इसका ये इनिशिएटिव लगा है, एक बहुत ही अच्छा ये फायदा है कि अगर आपका उम्र 60 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर 60-65 साल में आप चले जाते हैं, तो अभी जैसे आप काम कर रहे हैं उस समय, तो उस समय उस टाइप का काम आप नहीं कर पाएंगे ना, अभी जैसे आपका शारीरिक क्षमता है, अभी आप कहीं पे भी जाके श्रमिक का काम कर लेते हैं, तो 60 साल के बाद तो नहीं कर पाइएगा। तो उस समय आपके पास क्या रहेगा जो आप अपने लाइफ को जी सकेंगे, सही से आप सस्टेन कर पाएंगे, आपका दाना पानी, खाना पानी वो चलता रहेगा। उसके लिए सरकार की तरफ से आप सभी लोगों के लिए 3,000 रुपए पेंशन का योजना भी जोड़ा गया है। अभी क्या करना है, आपको थोड़े पैसे आपको देना है, जितना पैसा आप देंगे, ठीक है, और जितना पैसा आप देंगे उतना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, वो पैसा आपको इकट्ठा करना है, फिर 60 साल कंप्लीट होने के बाद सरकार की तरफ से 3,000 रुपए आपको पेंशन मिलेंगे, जिससे कि आपका जीवन यापन बहुत ही आसान तरीके से चलता रहेगा। दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा कि अब हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें पैसा दो, ठीक है, वो आपके पास ऑलरेडी रहेगा कि मुझे 3,000 रुपए पेंशन तो आ ही जाएगा। तो ये भी फायदा इसके लिए जोड़ा गया। दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि 3,000 रुपए पेंशन पाने के लिए श्रम कार्ड धारकों को क्या करना होगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आप भी एक श्रम कार्ड होल्डर हैं, आपके पास भी श्रम कार्ड है, आपको भी 3,000
पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना होगा। इसमें मैंने पूरे डिटेल से बता दिया है कि आपको करना क्या पड़ेगा, और इसका लिंक पता है आपको डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया, जाके देख लीजिएगा, आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां से मैंने आप लोगों को ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाले मेन फायदे के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। फ्यूचर में बहुत सारे दोस्तों फायदे आपको इससे मिलने वाले हैं, जैसे कि अगर आपका कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो छात्रवृत्ति मिल सकता है। अभी तक ये योजना नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे छात्रवृत्ति भी मिल सकता है, और इसके साथ पीएम आवास योजना भी जोड़ा जाएगा। जिन जिन श्रमिकों का पक्का मकान नहीं है उनको पीएम आवास के तहत उनको पक्का मकान दिया जाएगा। साथ में उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर आपको मिलेगा, चूल्हा मिलेगा, तो वो भी योजना इससे जोड़ा जाएगा। और भी फ्यूचर में बहुत सारे योजना है जिससे कि इसको जोड़ा जाएगा, और सारे योजनाओं का लाभ ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाले हैं दोस्तों। इसलिए अगर आप ई श्रम कार्ड बना लिए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर दिया जाता है। ठीक है, सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बहुत सारी योजनाओं के लाभ आपको मिलने वाले हैं, और मैं वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।